संपूर्ण भारतवर्ष में भगवान शंकर के साक्षात प्रकट स्वरूप ज्योतिर्मय ऊर्जा केंद्रों द्वादश ज्योतिर्लिंग के पावन आश्रम में मुरारी बापू द्वारा 18 दिवसीय राम कथा द्वादश ज्योतिर्लिंग का श्रवण करने का अविस्मरणीय संयोग 22 जुलाई 2023 को हेलीकॉप्टर द्वारा भारत के सर्वोच्च शिखर हिमालय पर विराजमान श्री केदारनाथ से कथा प्रारंभ हो 23 जुलाई 2023 को ऋषिकेश से रेल मार्ग द्वारा द्वादश ज्योतिर्लिंगों की लगभग 8000 किलोमीटर की यात्रा 7 अगस्त 2023 को समुद्र तल पर स्थित श्री सोमनाथ द्वारका में विराम लेगी। तीन धाम 12 ज्योतिर्लिंग एवं तिरुपति बालाजी मंदिर दर्शन से युक्त पावन कथा यात्रा राम कथा द्वादश ज्योतिर्लिंग का आस्था एवं चित्रकूट धाम तलगाजरडा यूट्यूब चैनल पर सीधा प्रसारण देखिए। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड 22 जुलाई प्रातः 9 से 11 बजे, श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश 24 जुलाई प्रातः 10 से 1:30 बजे, श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड 25 जुलाई प्रातः 10 से 1:30 बजे, श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश 27 जुलाई प्रातः 10 से 1:30 बजे, श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु 29 जुलाई प्रातः 10 से 1:30 बजे, श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र 31 जुलाई प्रातः 10 से 1:30 बजे, श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र 1 अगस्त प्रातः 10 से 1:30 बजे, श्री त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र 2 अगस्त प्रातः 10 से 1:30 बजे, श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र 3 अगस्त प्रातः 10 से 1:30 बजे, श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश 4 अगस्त प्रातः 10 से 1:30 बजे, श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश 5 अगस्त प्रातः 10 से 1:30 बजे, श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात 6 अगस्त सायं 4 से 6:30 बजे, श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात 7 अगस्त प्रातः 10 से 1:30 बजे।